आपको सिखा रही हूँ गुड़हल का दलहन कैसे लगता है। ये गुड़हल को हम लोग ने काट लिया है, इसको 45 डिग्री पे काट के 44 डिग्री पे काट के ऐसा ट्रायंगल में बना लें, सारी इसकी पत्तियाँ झाड़ लें। अब किस तरह गुड़हल बनता है, उसमें कौन सा खाद ज़्यादा उपयोगी होता है, मैं आपको बताती हूँ। ये रहा कोको पिक, इसको बोलते हैं कोको पिक। ये अपना बालू है और ये है अपना नॉर्मल साइज 10%। अब इन तीनों को आपस में मिला के पानी से सान लेंगे। पानी की मदद से आपस में अच्छे से में बालू रहेगा, जिससे जड़ें जब इसकी निकलेंगी हिबिस्कस की तो उनको फैलने में आसानी रहेगी। इसलिए हम लोग सबसे पहले ग्लास लेंगे। ये ग्लास लिया, ये देखिए ग्लास लिया आपका, पानी ज़्यादा ड्रेन ना हो इसके लिए कॉटन का कपड़ा डाल दिया। अब इसमें थोड़ा हम मिट्टियों को इस तरह भर देंगे, भर के। और ये गुड़हल जिसको कोई कोई जासवंती भी बोलता है, जासवंती को लेके और हल्का टेढ़ा इसमें अपने को डाल देना, हल्का टेढ़ा, स्ट्रेट नहीं रखना। और मिट्टियों को पूरी तरह से दबा दें, जिससे हमारे पौधे ऊपर ना आए। ये मिट्टियों को अंदर अच्छे से दबा देना है, जिससे ये जड़ तक अच्छे से पहुंच जाए इस तरह। अब इसमें नॉर्मल थोड़ा सा वाटर डाल दें और इतना याद रखें इसका मॉइस्चराइज़र कम नहीं होना चाहिए। इसका मॉइस्चराइज़र बराबर, ज़्यादा पानी से भी ये सूख जाएगा और कम पानी से भी सूखेगा, इसलिए इसमें इसका मॉइस्चराइज़र बराबर बनाए रखना है। अभी हम लोग बनाते जा रहे हैं इसी तरह सारे और पेड़ को हम ऐसा स्ट्रेट नहीं, थोड़ा टेढ़ा करके सब बना लेंगे और इसका रिज़ल्ट 10 से 15 दिन में आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन में इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। और इसी तरह सारा हम ऐसा बना के और हल्का पानी करके रख देंगे। और मेन कोको पिट और बालू की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। कोको पिट बालू से एकदम उपजाऊ होगा और जड़ें नीचे से फैलेंगी। गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रोज़ की कटिंग में।